हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं हूँ पुष्पा और आप देख रहे हैं पीके स्वादिष्ट व्यंजन एंड ब्लॉग्स तो चलिए आज हम शेयर करने जा रहे हैं आप लोग के साथ नारियल की चटनी जो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में दो इडली के जगह चार खाएँगे और एक डोसा के जगह दो खाएँगे बहुत ही यम्मी यम्मी और टेस्टी बनता है तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर हम फ्रेश नारियल ले लिए हैं ये आधा टुकड़ा नारियल है इसे हम बनाएंगे तो इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है तो कुछ इस तरीके से हमें कट करके ले लेना है अब हम यहाँ पर मूंगफली ले लिए हैं जिसे हम सिंगदाना बोलते हैं एक छोटी कटोरी है इसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है और हम यहाँ पर अब दो हरी मिर्च डालेंगे इसे भी डालकर हमें भून लेना है ये तीखी वाली हरी मिर्च है तो हम दो लिए हैं अगर मीडियम हो तो आप चार भी ले सकते हैं देखिए इस तरीके से हमें भून लेना है अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता इससे इसका टेस्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा आता है तो नारियल की चटनी में कड़ी पत्ता डालना ना भूलें अब इसे भी हमें अच्छे से चला के भून लेना है देखिए कलर में चेंजेस आने लगा है अब इसमें जाएगा दो चम्मच चना दाल अच्छे से वाश करके इसमें हम ले लिए हैं और रोस्ट करेंगे आपके पास अगर रोस्टेड चना है तो उसे भी आप ले सकते हैं चना दाल नारियल की चटनी में चार चांद लगा देता है बहुत ही यम्मी और येमी और डिलीशियस बनता है देखिए कुछ ही इस तरीके से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करना है यहाँ पर हम एक इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं इसे कट कर लिए हैं बीच से और इसे भी हम सारे चीज़ों को अब ऐड करके और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे देखिए सुनहरा बिल्कुल ही ब्राउन कलर आने लगा तो एक बार इस तरीके से आप चटनी बनाकर देखें बहुत ही यमी यमी बनता है अब ये लगभग हो चुका है अब इसमें जो नारियल कट करके रखे थे ना छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें ऐड कर लेंगे इसे और अच्छे से एक मिनट के लिए थोड़ा सा सॉल्टी करना है ज़्यादा नहीं ताकि हमारा जो चटनी बने बहुत ही अच्छे से बन जाए देखिए अलट पलट करके हमें रोस्ट कर लेना है देखिए कुछ इस तरीके से हमें चला लेना है अब ये लगभग ये भी हो चुका है गैस को हम ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने तक वेट करेंगे उसके बाद हम चटनी बनाएंगे देखिए सारे को निकाल लिए अब ये ठंडा हो चुका है इसे मिक्सी जार लेंगे और सारे को इसमें ऐड कर लेंगे और देखिए अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता चाहे तो आप इसमें धनिया पत्ता और इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और नमक डालेंगे आप इसके साथ पुदीना का भी पत्ता ऐड कर सकते हैं धनिया और पुदीना दोनों ऐड कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है देखिए यहाँ पर हम आधा कट करके नींबू ले लिए हैं अगर आपके पास इमली है तो इमली भी इसे ऐड इसमें कर दीजिए और पानी डाल डालकर इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब हमारा चटनी बनकर रेडी है देखिए इस तरीके से बन गया है और बहुत ही फाइन पेस्ट बना है देखिए एकदम से अच्छा बन गया है देखिए अब हम इसे क्या करेंगे कि एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे आप चाहे तो इसे फ्रीजर में रख करके कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बर्फ़ जमाने वाला आता है ना जो सेफ्स आता है उसमें भी डाल करके हम रख सकते हैं देखिए यहाँ पर हम तड़का लगा रहे हैं तो तड़का में हम आ, राई डाले हैं और आधा चम्मच डाले हैं उड़द दाल और हींग और सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता ये सब चीज़ों को अच्छे से हमें देखिए तेल में डालकर अच्छे से फ्राई करके अच्छे से हमें तड़का लगाना है हींग डालना ना भूले, बहुत ही टेस्टी होता है देखिए अब तड़का लग चुका है अभी से हम क्या कर लेंगे कि चला लेंगे देखिए कितना अच्छा हमारा नारियल की चटनी बनकर रेडी हो गया है देखिए कुछ इस तरीके से तो फ्रेंड्स मेरे बताए गए अनुसार से एक बार आप ज़रूर नारियल की चटनी बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाकर देखिएगा बहुत ही यम्मी यम्मी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अब चटनी तैयार है और देखिए यहाँ पर हमारा इडली भी बनकर रेडी है और इडली के साथ हम चटनी सर्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से देखिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय